हेलो दोस्तों, मैं विक्रम। स्वागत है आपका इट्स टेक्निकल में और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना और बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। दोस्तों फाइनली आज लॉन्च हो चुके हैं वीवो के वीवो X50 सीरीज, वीवो X50 और वीवो X50 प्रो। इन दोनों स्मार्टफोन के नाश्तों इस वीडियो में सब कुछ इन्हीं स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूँ। स्पेसिफिकेशन आप नाश्तों इस वीडियो को आगे देखते रहिए। इन्हीं दो स्मार्टफोन के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। ये वीवो के नाश्तों फ्लैगशिप स्मार्टफोन है दोस्तों, बहुत ही कमाल के स्मार्टफोन है, लॉन्च हो चुके हैं फाइनली आज ये वीवो X50 में दोस्तों। आपको यहाँ पर शुरुआत करते हैं कैमरे से। इसमें आपको क्वाड रियर कैमरा मिल जाता है, 48 MP का मेन कैमरा होगा दोस्तों f1.6 एपिचर के साथ में, और दूसरा कैमरा एक और होगा दोस्तों 13 MP का, वो होगा सुन डेप्थ सेंसिंग सेंसर f2.5 एपिचर के साथ में। और उसमें यहाँ पर तीसरा कैमरा भी लगा है, वो है दोस्तों 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा f2.2 एपर्चर के साथ में। और फाइनली चौथा कैमरा, लास्ट कैमरा यहाँ पर लगा है 5 MP का माइक्रो लेंस f2.5 एपर्चर के साथ में। और अब बात करते हैं हम पर सामने के फ्रंट कैमरे की बात करेंगे ना, इसमें आपको 32 MP का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। 5600 डिस्प्ले के अंदर आपको मिल जाता है 32 MP का सेल्फी कैमरा, वो ऐसा f2.5 एपर्चर के साथ में मिल जाता है। और ये ऐसा वीवो X50 की कैमरा की कहानी। यहाँ पर ना इसकी स्क्रीन की बात करेंगे ना, 6.56 इंचेस का एक आपको AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है इस वीवो X50 का, और साथ में 87.0% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी इसका मिल जाता है, और साथ में 90Hz का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिलेगा इसमें। यहाँ पर अच्छी बात है, 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल रहा है और साथ में 5 डिस्प्ले तो होगा, वो तो आपको बता दिया सेल्फी कैमरे के मामले में। और इसे आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इसी वीवो X50 को लेकर। यहाँ पर पीछे के साइड डिज़ाइन है ना, आप देख सकते हैं आपको पीछे के साइड प्लास्टिक फ्रेम मिलेगा और एल्यूमिनियम फ्रेम मिलेगा दोस्तों आपको पीछे। और साथ में इसके स्लिम की बात करेंगे ना, ये बहुत ही स्लिम स्मार्टफोन आने वाला दोस्तों, 7.9 mm थिकनेस पर आता है। और वेट की बात करेंगे तो 173 grams का आता है। यहाँ पर ना इसके वेट को भी काफ़ी मेंटेन किया गया है, आगे तो बैटरी बताऊंगा इसकी कितनी है, यहाँ पर वेट भी मेंटेन है। और साथ में स्लिम भी बहुत ही ज़्यादा मेंटेन है, स्लिम 7.5 mm थिकनेस पर आ रहा है। यहाँ पर बहुत ही कमाल का स्लिम के मामले में ये स्मार्टफोन होगा वीवो X50। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। अब बात करते हैं बैटरी की। इसमें बैटरी ना दोस्तों आपको 4300 mAh की बैटरी मिल जाती है। उसी बैटरी को चार्जिंग करने के लिए बॉक्स में आपको एक 33W का फास्ट चार्जर मिल जाता है बॉक्स में ही। यहाँ पर बेस्ट यहाँ पर काम होगा दोस्तों इसमें 33W का चार्जर को लेकर। साथ में USB टाइप सी पोर्ट, केबल वगैरह सब कुछ टाइप सी मिलेगा। और इसमें कलर ऑप्शन है दोस्तों, आपको 3 कलर ऑप्शन मिलेंगे, एक है ब्लैक और एक है दोस्तों ब्लू और एक है पिंक। ये 3 कलर में आते हैं X50 में वीवो के, 3 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। और साथ में आपको सिक्योरिटी की बात करेंगे तो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, और साथ में फेस अनलॉक का ऑप्शन भी अवेलेबल इसमें होगा। लेकिन वो तो कमाल की बात नहीं होगी, इन डिस्प्ले है वो तो यहाँ पर बेस्ट काम हो गया। और साथ में यहाँ पर अब बात करते हैं, बहुत ही कमाल की बात करेंगे प्रोसेसर को लेकर। यहाँ पर इसके में प्रोसेसर में दोस्तों आपको मिल जाता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर मिल जाता है, वो होगा दोस्तों 7 nm पर बेस्ड है। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बात हो गई दोस्तों प्रोसेसर को लेकर। ये गेमिंग स्मार्टफोन हो सकता है 765G, जी मतलब गेमिंग और फ्लैगशिप स्मार्टफोन तो है ही 765G को लेकर। वैसे क्या कहना दोस्तों आपका इस वीवो के X50 को लेकर, 765G प्रोसेसर मिल रहा है वो भी 7 nm पर बेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा यहाँ पर बेस्ट है, एकदम पावरफुल ये स्मार्टफोन होगा दोस्तों। तो चलिए और आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। आपको हेडफोन जैक 3.5 mm इसमें नहीं मिलेगा दोस्तों, हेडफोन जैक 3.5 mm होना चाहिए था लेकिन नहीं है। तो चलिए, ये चल रहा है दोस्तों एंड्रॉयड 10, लेटेस्ट एंड्रॉयड 10 पर चल रहा है और बेस्ट है फंटस OS 10.5 इस पर भेज दे। तो चलिए यहाँ पर इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स भी, वो वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, उसका आप इंतज़ार कर सकते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स का फंटच OS 10.5 का। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इसमें आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं आप 30 FPS पर, मतलब अच्छी बात है 4K भी कर रहे हैं। और इसमें ना दोस्तों आपको 2 वेरियंट्स मिल जाएंगे, 8GB RAM साथ में 128GB स्टोरेज और साथ में 8GB RAM 256GB स्टोरेज, ये 2 वेरियंट्स आपको इसमें मिल जाएंगे दोस्तों वीवो के X50 में। ये दोस्तों वीवो का X50। तो हम बात करते हैं पर वीवो X50 प्रो की। 48 MP का मेन कैमरा होगा रियर या F1.6 एपिचर के साथ में मिलेगा, वो X50 का ना
f1.5 था, ये f1.6 है, 48 mm का मेन कैमरा, साथ में 8 mm का आपको टेलीफोटो लेंस यहाँ पर मिलता है, वो होगा 3.4 एपिचर के साथ में, अच्छी बात है। और साथ में दोस्तों आपको 13 mm का आपको पोर्ट्रेट मोड मिलता है, वो होगा यहाँ पर f2.5 एपिचर के साथ में, 8 mm का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है दोस्तों f2.2 एपिचर के साथ में। कैमरा को भी थोड़ा फर्क है लेकिन कैपेसिटी सेम है, लेकिन यहाँ पर लेंसेस थोड़ा यहाँ पर अलग है दोनों स्मार्टफोन में। यहाँ पर सेल्फी कैमरे की बात करेंगे ना, सेल्फी कैमरा दोनों स्मार्टफोन में सेम ही है, 32 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है f2.5 एपिचर के साथ में। यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन की बात करेंगे तो 6.56 inches का AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, और साथ में 90.6% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी इसका मिल जा रहा है। सो यहाँ पर बेजल से एकदम नहीं के बराबर है, बेजल से ना बहुत कम है इस X50 Pro के, 90.6% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, मतलब वैसे स्क्रीन पर तो आपको दिख रहा होगा इस स्मार्टफोन का सैंपल। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इस स्मार्टफोन की, 90Hz का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाएगा, और साथ में पंच होल डिस्प्ले तो वो तो आपको बता दिया, सेल्फी कैमरे में मिल जाएगा सेल्फी कैमरा, और प्लास्टिक फ्रेम मिल जाएगा उसमें पीछे के साइड, और इसमें आपको पीछे के साइड एल्यूमिनियम फ्रेम मिलेगा, और 8mm थिकनेस पर आता है ये X50 से भी थोड़ा, यहाँ पर ये स्लिम के मामले में थोड़ा मोटा होने वाला है। यहाँ पर इसकी वेट की भी बात करेंगे तो ये थोड़ा उससे भी ज़्यादा यहाँ पर वेट है दोस्तों, क्योंकि इसकी बैटरी ना उससे भी थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा है, इसका वेट है दोस्तों 181 grams का आता है, मतलब उसके मामले में उससे दोनों की कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पर वेट इसका ज़्यादा हो सकता है वीवो के X50 Pro का। और दोस्तों मतलब बैटरी वगैरह थोड़ा ज़्यादा है और मेंटेन भी है दोस्तों उसके हिसाब से यहाँ पर इसकी वेट को भी। और आगे बढ़ेंगे, इस स्टोरी में आपको 4315 mAh की बैटरी मिल जाती है, और उसी बैटरी को चार्जिंग करने के लिए इन द बॉक्स बॉक्स के अंदर आपको 33 W का चार्जर मिल जाता है 50% in 30 minutes, और ऐसे अच्छी बात है। और USB Type-C पोर्ट, केबल वगैरह वगैरह सब कुछ। और यहाँ पर दोस्तों सिक्योरिटी की बात करेंगे तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको इसमें भी मिल जाता है, और साथ में फेस अनलॉक का ऑप्शन भी होगा। और चलिए अभी और आगे बढ़ते हैं इस स्टोरी में। प्रोसेसर की बात करेंगे ना, इसमें आपको स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर इसमें मिल रहा है, वही सेम प्रोसेसर 7 nm पर बेस्ड है ये भी। दोनों स्मार्टफोन में प्रोसेसर सेम है, सेल्फी कैमरा सेम है, बैटरी X50 में थोड़ा ज़्यादा है। तो चलिए भी आगे बढ़ते हैं वीडियो में, थोड़ी सी छोटी कंपैरिजन भी यहाँ पर देखेंगे, कोशिश करेंगे लास्ट में। और यहाँ पर ना आपको वीवो के X50 Pro में ना दो कलर्स ऑप्शन मिल जाते हैं, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू, ये दो कलर्स आपको मिल जाते हैं कलर ऑप्शन में। ये चल रहा है सो एंड्रॉयड 10 पर चल रहा है, फंटस OS 10.5 पर बेस्ड है, और हेडफोन जैक 3.5 mm इसमें नहीं मिलेगा आपको। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS पर, और 8GB रैम 128GB स्टोरेज मिल जाता है, और एक वेरिएंट है 8GB रैम 256GB स्टोरेज। वैसे दोनों में आपको डुअल सिम कार्ड, आपको मतलब दो दो सिम कार्ड आप लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड आप दोनों स्मार्टफोन में नहीं लगा सकते दोस्तों। वैसे इसमें वीवो X50 और वीवो X50 Pro इन दोनों स्मार्टफोन की ये स्पेसिफिकेशन है, ये फीचर्स हैं। अब यहाँ पर ना सुन दोनों में क्या फ़र्क है, यहाँ पर कैमरा सेम है, पीछे का क्वाड रियर कैमरा तो दोनों ही है, यहाँ पर कैपेसिटी सेम है लेकिन लेंसेस अलग अलग आते हैं दोनों स्मार्टफोन के। और दोनों स्मार्टफोन की बैटरी की बात करेंगे तो X50 में 4200 mAh है, और X50 Pro में 4315 mAh की बैटरी है, और बाकी सब कुछ सेम दिख रहे हैं। यहाँ पर कलर ऑप्शन में यहाँ पर आपको थोड़ा यहाँ पर फ़र्क मिलेगा दोनों स्मार्टफोन में, पिंक एडिशन आपको इसमें मिलेगा X50 में, यहाँ पर आपको X50 Pro में पिंक एडिशन नहीं मिलेगा। और प्रोसेसर सेम है और रैम रोम दोनों में सेम है, और ये फाइनली लॉन्च हो चुके हैं आज इंडिया में वीवो X50 और वीवो X50 Pro। आपको दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा दोस्तों जरा नीचे कमेंट्स में टाइप करके बता ही देना। दोस्तों आज के वीडियो में खत्म होता है, उम्मीद है आपको पसंद ही आया होगा, मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।